नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैप के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म एल्गो क्रैप के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एक्साइटिंग फीचर्स हम अपने नए प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आए हैं। पिछले प्लेटफॉर्म में कुछ खामियां थी जिनको हमने दूर करने की कोशिश की है और प्लेटफॉर्म को बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। तो एक एक करके दोस्तों जानेंगे हमने क्या क्या उसमें नई चेंजेस करे हैं और क्या क्या हमने उसमें चीज़ें ऐड करी हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा तो मैं व्यूवर्स से एक्सपेक्ट करूँगा कि वो वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि एक एक चीज़ उनको प्रॉपरली समझ में आ पाए। और जो भी व्यूअर्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो कुछ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा एल्गो ट्रेडिंग के बारे में वो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। और हम कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ और आपकी एल्गो ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाएँ। तो हमारे को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो और कमेंट करके हमें बताएगा कि क्या क्या आपको चीज़ें इसमें पसंद आई और क्या क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं आई। और साथ ही साथ आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि शेयर करें हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ पाएँ। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर जो कि है www.algocrab.com। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको साइनअप का बटन दिखेगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालनी होंगी जैसे कि अपना नाम, अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर और ये डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और टैब खुल के मिलेगा जिसमें आपको अपना ओटीपी डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा। तो जैसे ही आप साइनअप पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा और आपको सबसे पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन करते टाइम एक TOTP के लिए स्कैनर मिलेगा जिस स्कैनर को आप गूगल ऑथेंटिकेटर पे स्कैन कर सकते हो। जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आपको एक 6 डिजिट का कोड मिलेगा, वो कोड आपको डालना पड़ता है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं यहाँ पर अपने अकाउंट की डिटेल्स डाल रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डिटेल डाली आप देखेंगे यहाँ पर अब ये 6 डिजिट का TOTP मांग रहा है। तो 6 डिजिट का TOTP हमको हमारे फ़ोन से मिलेगा जिसमें कि हमने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में इसको स्कैन किया हुआ था। तो अब मैं यहाँ पर अपना TOTP डाल रहा हूँ, उसके बाद वेरीफाई करूँगा। TOTP डालने से दोस्तों और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है आपका अकाउंट, यानी कि आपको जो जो चीज़ें करनी थी उसमें आपका कोई भी बंदा, कोई और आदमी आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता। चाहे उसको ID पासवर्ड मालूम होंगे तो भी नहीं कर सकता, आप खुद ही करें क्योंकि आपके मोबाइल पर TOTP रहेगा। ठीक है, तो आप चलते हैं स्ट्रैटेजीज पे। तो उससे पहले सबसे पहला काम क्या करना होता है, जैसे मैंने हर बार आपको बताया कि आपको टोकन लेना होता है। टोकन लेने के लिए आप कोई भी ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स अपडेट करके जनरेट टोकन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप जनरेट टोकन पे क्लिक करते हैं तो ये पासवर्ड मांगता है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद ये कुछ और चीज़ें मांगता है और इसके बाद TOTP मांगता है। TOTP आपको फिर से गूगल ऑथेंटिकेटर से मिलेगा। ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेटर से आप अपना TOTP डाल सकते हैं। TOTP डालने के बाद आपका अकाउंट जो है यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक हो जाता है। यहाँ पर भी TOTP बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पैसे रहते हैं जो कि आपकी हार्डली अर्न मनी है। अगर आप किसी को भी आपका ID पासवर्ड दे देते हैं तो वो आपके अकाउंट का मिसयूज कर सकते हैं और आपकी हार्डली अर्न मनी को 2 मिनट में ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सिक्योरिटी पर्पज़ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कई बार हम इनको नेगलेक्ट कर जाते हैं, कई बार हम इनको सोचते हैं कि ये एक ऐसा टास्क है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है सब चीज़ों को करने में और इससे कि आपकी ट्रेडिंग पे फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपकी ट्रेडिंग पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा सेफ हो जाते हैं, आप किसी भी तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर दो यार प्लीज़ कर दो। तो अब आगे बढ़ते हैं ऑथेंटिकेशन में। मैंने जैसे आपको दिखाया कि मुझे टोकन मिल गया है, टोकन को वैलिडेट करूँगा तो टोकन इज़ वैलिड आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रोकर्स के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, आदित्य ट्रेडिंग, आनंद राठी, एलाइस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, बसन, चॉइस, कंपोजिटेज, धन, एनरिच, फिनडॉक, फिनवेशिया, फायर्स, गूगल, ये जितने भी आप देख रहे हैं इन सब में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लमसम 30 या उससे ज़्यादा ब्रोकर्स हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं जिनसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको टोकन मिल जाता है उसके बाद आपको जाना होता है यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ में, और स्ट्रैटेजीज़ में आपको ये मिलती हैं सारी स्ट्रैटेजीज़। आपको कस्टमाइज़ करनी है कोई स्ट्रैटेजी, सभी यहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजी लगाई हुई है,
आपको कोई भी स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप क्रिएट करेंगे। मान लीजिए ईगल ट्रेडिंग की बात करता हूँ, तो ईगल ट्रेडिंग सिस्टम जो है दोस्तों वो है प्राइस रेंज ब्रेकआउट यानी टाइम रेंज ब्रेकआउट का इंडिकेटर। टाइम रेंज ब्रेकआउट में एक स्पेसिफिक टाइम सिलेक्ट होता है, उस टाइम का हाई और लो जो होता है वो कैप्चर कर लिया जाता है। जब भी किसी कैंडल क्लोज पे वो हाई या लो ब्रेक होता है और कैंडल क्लोज होती है तो ये स्ट्रैटेजी बाय और सेल करती है, ठीक है। अब अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन देखना है कि किस तरीके से काम करती है तो आप यहाँ पर स्ट्रैटेजीज में जाके मोर इन्फो पे क्लिक कर सकते हैं। उसमें आपको सारा का सारा इस स्ट्रैटेजी के बारे में पूरा वर्णन दिया हुआ है किस तरीके से स्ट्रैटेजी काम करती है, क्या काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से कस्टमाइज स्ट्रैटेजी में आ रहा हूँ मैं और सिंबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी होगी, उसके बाद हम कोई भी सिंबल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी सिंबल का नाम, मान लीजिए हमने डाल दिया यस बैंक, तो यस बैंक को हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्वांटिटी कितनी डालनी है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है MIS करना है, नॉर्मल करना है, CNC करना है। अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो या तो MIS करेंगे या तो CNC करेंगे। NRML का कोई लेना देना इक्विटी कैश से नहीं होता है, ये चीज़ खास ध्यान रखना, कई बार ट्रेडर मिस्टेक कर देते हैं और फिर उसके बाद उनका ट्रेड नहीं होता। तो अगर आप इक्विटी कैश यूज़ करो तो MIS या तो CNC यूज़ करो। CNC भी यूज़ करोगे तो भी आपका बाय का ट्रेड होगा, सेल का ट्रेड नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर वगैरह, मार्केट लिमिट का ऑप्शन, मान लीजिए आपको 200 शेयर्स में ट्रेडिंग करना है। अब यहाँ पर आपको टारगेट ऑन टारगेट ऑफ दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको टारगेट स्टॉप लॉस नहीं रखना है, एरो टू एरो करना है तो आप ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज आपको टारगेट स्टॉप लॉस रखना होगा। मान लीजिए इसमें आपने रख दिया 0.25 पैसे का आपने टारगेट रख दिया और 0.25 पैसे का ही आपने स्टॉप लॉस रख दिया एग्जाम्पल के लिए, या फिर आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा भी सकते हो। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे 50 पैसे का टारगेट चाहिए और 25 पैसे का स्टॉप लॉस चाहिए तो वैसा भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपका आराम से काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको पोजिशनल करना है, इंट्राडे। ऑब्वियसली इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है ईगल ट्रेडिंग, तो आपको यहाँ पर इंट्राडे सिलेक्ट करना है। टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है कि कितने टाइम फ्रेम का आपका होना चाहिए, मतलब कितने 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग पे लेना है, 3 मिनट पे लेना है, 1 मिनट पे लेना है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे 3 मिनट पर करना है तो मैंने यहाँ M3 यूज़ कर दिया। उसके बाद आता है स्क्वायर ऑफ टाइम। स्क्वायर ऑफ टाइम का मतलब है कि कितने बजे आपको आपके ट्रेड को ख़त्म कर देना है और उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पर 3 बजे का टाइम डला हुआ है, मैं नहीं चाहता कि 3 बजे के बाद मेरी कोई ट्रेड हो, तो आप यहाँ पर 3 बजे का टाइम रख सकते हो। स्टार्ट टाइम मैंने 9:15 और एंड टाइम 9:30 रखा है, तो 9:15 से लेके 9:30 के बीच की कोई भी कैंडल बनेगी उस कैंडल के हाई या लो को ये कैप्चर कर लेगा, और कोई भी कैंडल क्लोज अगर इसके हाई या लो के ऊपर या नीचे होता है तो ये बाय या सेल का ट्रेड कर देगा, ठीक है। सेव चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पर कार्ड मिलता है, कार्ड को आप स्टार्ट कर सकते हो। कार्ड स्टार्ट करने के बाद जब भी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में ट्रेड आएगा तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रनिंग लिखा हुआ है, रनिंग में आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बता रहा है कि टाइम फ्रेम M1 सेट है, इंट्राडे सेट है, 15 बजे का एग्जिट सेट है, लास्ट सिग्नल जो था इसमें वो बाय का था और बाय की जो रेंज थी वो थी 18,733 और सेल की जो रेंज थी वो थी 18,727। तो सर 733 के ऊपर ये बाय गया, अब 18,800 पे निफ्टी क्लोज हुआ। यहाँ पर स्टार्ट टाइम 9:45 है और एंड टाइम 9:50 है, तो इसको भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं है, तो आप डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने हिसाब से करना है। अगर आपको नहीं आता तो आप ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं 9:15 से 9 के बीच के, इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो और इसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। फिलहाल के टाइम पे इसमें सिर्फ नॉर्मल स्टॉप लॉस और टारगेट्स अवेलेबल हैं, आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दें ताकि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल बखूबी कर पाएँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी में लगाना। पिछली बार प्रॉब्लम्स ये थी कि हमने सेट किया हुआ था कि इसी टाइम फ्रेम पे और इतने ही टाइम के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेगा, 0.5% का स्टॉप लॉस था, 0.5% का टारगेट था, उसको हमने मॉडिफाई करने की कोशिश की क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आई कि ये फिक्स नहीं होना चाहिए, हमें अपने हिसाब से रखना है। तो उसके लिए हमने इसको इस तरीके से कर दिया है कि अब आप अपने हिसाब से ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म का डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो 6 दिन का आपको फ्री डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट algocrab.com पर आकर रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी ट्रायल लिया हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हैं दोबारा से ट्रायल लेना तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो, हम आपका ट्रायल
दोबारा से एक्सटेंड कर देंगे या फिर हम आपको दोबारा से न्यू अकाउंट ओपन करके दे देंगे, जिससे कि आप फिर से 6 डेज का फ्री ट्रायल ले सको। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी लगें तो आप आज ही हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और 6 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग ब्रोकर्स के साथ इसको जोड़ सकते हैं और आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा प्लेटफॉर्म, जिसमें कि प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी आपको मिलेंगे और वो आपको सहूलियतें मिलेंगी कि पूरा टाइम आप स्क्रीन के सामने ना बैठें और अपना काम आराम से कर पाएँ। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।